Krishna, good evening. Welcome all of you for our Thursday evening Bhagavatam class. Right now we are doing is Narsingha Katha. So Narsingh Dev is a very important avatar of Lord Vishnu. We are discussing about it and the background of it. So what did we discuss up to the last week? Does anyone remember? Fast recap. I want a fast recap. कहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीक किया था? प्रभु जी, लास्ट लास्ट वीक हम लोगों ने ये जो हिरण्यकश्यपु का भाई है, हाँ, हिरण्यकश्यप है वो, उनको हाँ, हिरण्याक्ष। हिरण्यक्ष की वाइफ और मदर को बताता है कि क्या है, और उसमें वो बर्ड का स्टोरी उसने उसने पूरा भगवद बताया। गीता का क्लास सुना दिया, है ना? हाँ तो हाँ उनको बोला कि किसके लिए रोना है, जीवन तो जीना है और मरना भी है, पर जन्म मृत्यु तो चलते रहेगा और उसके लिए कभी अपने को विलाप नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। मैं एक और चाकुली कुछ? दूर है, और ट्रेन ट्रेन का एग्जांपल दिया था, हाँ, ट्रेन और होटल में जैसे हम लोग लोगों से मिलते ये साथ में आते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर वापस अलग हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आफ्टर गिविंग दिस एंटायर भगवद गीता क्लास कि भाई इंसान क्या है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हम अगर आत्मा है तो आत्मा जैसे ही एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर बदलता है उसी को हम लोग मृत्यु और जन्म कहते हैं। मृत्यु मतलब आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है उसको मृत्यु कहते हैं, और दूसरा शरीर लेता है तो उसे हम जन्म कहते हैं। सो सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बर्थ एंड डेथ इज अ रिपीटेड साइकिल एंड विच हैज बीन एक्सप्लेन वेरी नाइसली बाय हिरण्यकशिपु टू हिज मदर एंड सिस्टर इन लॉ। बट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, अगर ये सब वो जानता है, ये सब ज्ञान की बातें उसने की, तो फिर उसने अपने जीवन में क्यों उसको उतार नहीं पाया? व्हाट वाज रॉन्ग? जो सब वो कह रहा है, बड़े ज्ञान का प्रवचन दे रहा है ना वो अपनी माँ को और अपनी भाभी को, तो what is the reason why he is not able to implement those things in this life? Shastra says this is the definition of an asura. Who is an asura? Who has got all knowledge, पूरा ज्ञान है उसको, but he cannot apply it in his life. वो सिर्फ दूसरों को प्रवचन दे सकता है और खुद जीवन में नहीं उतार सकता, वो असुर। A simple example, रावणा, He was an expert in all Vedas. All Ved, all सुबह रोज उठ के, सुबह 4 बजे उठ के सारा वेद पाठ सब धन 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 सब पढ़ लेता था। मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छा तरह से करता था, used to recite the mantras very nicely. But finally, when it came to living a life, his breakfast used to be one buffalo. एक भैंसा खाता था ब्रेकफास्ट में, और रात को जो जो चीजें शास्त्र में निषेध है उन्हीं वेदों में निषेध है, विच आर नॉट रिकमेंडेड इन द वेदास, और रादर विच हैज बीन डिसोन्ड बाय द वेदास, ही हैज डन ऑल दोस एक्टिविटीज। व्हाट ही यूज्ड टू डू? दूसरों की पत्नियों को हरण कर लेता था, सीता मैया को भी उसने हरण किया ना। सो ही यूज्ड टू किडनैप अदर वुमेन एंड फोर्सफुली एंजॉय देम। Then he used to drink a lot of alcohol. He used to eat meat. शास्त्र कहता है कि ये सब चीजें, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग, ये चार चीज जो व्यक्ति करता है वो इंसान ही नहीं जानवर है या असुर है। जब हमको जीव देने की हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो हम किसी का जीव ले कैसे सकते? How can we take someone's life when we can't give them life? The first thing is eating non-veg is the biggest, one of the biggest
क्राइम एज फॉर द वेदास। तो असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब ये नहीं कि वो भगवान को नहीं जानता है, वेदों का पाठ नहीं करता है, सब करता है, बट ये सब करने के बावजूद इन द एंड ही इज नन अदर देन लाइक ए पैरट कैन रिसाइट। पैरट भी अगर आप भगवान का नाम सिखा दो पैरट को, सीताराम सीताराम सीताराम, तोता भी बोलेगा। और जिस दिन बिल्ली ने आके गर्दन पकड़ा ना, उस दिन सीताराम नहीं बोलेगा, उस दिन पैं 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 करके अपना आवाज निकालेगा, की की आवाज निकालेगा। इसका मतलब क्या है? जो जीवन में उतार पाता है वो सही इंसान है, वो असुर है, वरना असुर है। सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो, बढ़िया कथा बताया उसने हिरण्यकश्यपु ने, इतना सब बताने के बावजूद खुद क्या किया? ब्रह्मा जी का पूजा करने लगा। और ब्रह्मा जी का पूजा इसके लिए कर रहा था कि उसको अमर बनना है। पर अभी तो 2 मिनट पहले तूने अपनी माँ को बताया ना, जो जिएगा वो जन्म लेगा वो मरेगा, और जीवन में उतार नहीं पाया, तो वो क्या करता है? इमिडिएटली ही डज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही सेइंग। सो इसमें हम लोगों को बड़ी सीख, कई लोग क्लास अटेंड करते हैं, सुनते भी बराबर से सुनते, मगर जब जीवन में उसको उतारने की नौबत आती है ना, तब भाग खड़े होते हैं। प्रभु जी ये सब ठीक है, मगर हम लोग कैसे करें, हमारे घर पे कैसा होगा, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। वी हैव रीजंस नॉट टू इम्प्लीमेंट वॉट इज लर्न इन द शास्त्र और द वेद। हाउ मेनी पीपल अग्री विद दिस एंड हाउ मेनी पीपल डिसअग्री विद दिस? यू कॉन्ट बी न्यूट्रल ना, यू टू एदर अग्री और डिसअग्री। क्या कितने लोग अग्री करते हैं? हिमांशु व्हाट डू यू थिंक? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट ऑन देयर वीडियोस बिकॉज़ आई वांट टू मेक दिस क्लास मोर इंटरैक्टिव। नहीं तो ऐसा लगता है कि एक तरफा का हो रहा है, दूसरी तरफ से कोई इंसान है या नहीं ये भी पता नहीं। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट ऑन देयर वीडियोस। या यस हिमांशु व्हाट डू यू फील? अनम्यूट एंड स्पीक। Unmute yourself first. प्रभु जी आई वेंट ऑफ फॉर अ मिनट बट आई हैव हर्ड दैट यू सेड जो इन चीजों को करता है वो असुर कहलाता है। क्या 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 प्लीज रिपीट? जो ये चार चीजों को करता है लाइक मीट ईटिंग, वो चार चीज करता है वो भी जानबूझ, यस yes, वो असुर कहलाता है। यस वो सुर नहीं, उसको कैसे आप सुर कह सकते हो, या अच्छा व्यक्ति कैसे कह सकते हो, या ज्ञानी कैसे कह सकते हो? ज्ञान उसके पास है जो जीवन में ज्ञान को उतारता है। अगर जीवन को ज्ञान को जीवन पे नहीं उतारा तो कई लोग क्लास में नोट्स लिखते हैं, पॉइंट्स नोट करते, कितनी बार क्लास होने के बाद उसको खोल के पढ़ते। आई हैव बीन प्रीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई नो दिस। How many of you honestly open the book and read this once? Even once in a year, if you read it, it's a great thing. Otherwise, क्या होता है? बस बुक में लिख दिया, बुक में अच्छी तरह से संभाल के रख, नहीं रखा है ना? अरे रखा है क्या? जब तक उसको पढ़ के जीवन पे उतारोगे नहीं, उस पर अमल नहीं करोगे, it is a big waste. Human life is a waste. So, second thing. दूसरा चीज विच असुर करते हैं, जो असुर करते हैं वो क्या है? उनको पता है जीवन काल निश्चित है, जीवन की अवधि कम है, बट फिर भी उसके विपरीत तपस्या करके अपने जीवन के काल को बढ़ाने की कोशिश। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हिरण्यकश्यपु डिड। हिरण्यकश्यपु आल्सो वांटेड टू डू द सेम थिंग, एंड After giving all this, talking of all these great, great things, he started praying to Brahmaji. Brahmaji said, he went to Mandrachal Parvat,
Andhrachali mountains. And there he performed very strict austerities by standing on his toes on the ground and keeping his arm up, looking towards the sky. From the hair of Hiranyakashipu's head, there emanated an effulgent light as brilliant and intolerant as the rays of the sun during the time of dissolution. कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के सिर से ऐसा धुआं और ऐसा प्रकाश निकल रहा था मानो बस प्रलय का समय आ गया. सभी देवता, ऑल द डेमिगॉड्स, देवताज एंड ऑल वेर सफरिंग. यहाँ तक कि भृगु, दक्षा, ऋषि मुनि सब परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी प्लीज इसको कुछ इसका इसका तपस्या का फल दे दो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे. तो ब्रह्मा जी आए, ढूंढ नहीं पाए. ही कुड नॉट सर्च हिम वेयर ही वाज डूइंग तपस्या बिकॉज हिरण्यकशिपु वाज इतने सालों से कर रहा था, उसके ऊपर चींटियों का एक पहाड़ बन गया था. फिर वहां पे ब्रह्मा जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहते हुए अपने कमंडल में से थोड़ा जल छिड़का और उसको वापस प्रकट किया हिरण्यकशिपु. और उन्होंने क्या कहा, आई एम नाउ प्रिपेयर्ड टू गिव यू ऑल बेनेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर डिजायर. मैं तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार जो भी इच्छा करो वो मैं आपकी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ. मगर उन्होंने क्या कहा, पहले ही बोल दिया, ये बाद में बात लफड़ानी चाहिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया, आई बिलोंग टू द सेलेस्टियल वर्ल्ड ऑफ डेमिगॉड्स. मैं देवताओं के लोक से हूँ. हु डू नॉट डाई लाइक ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्यों की तरह मरते नहीं है. मनुष्यों की तरह मरना और देवताओं के मौत में क्या अंतर क्या है? Can anyone tell me this? देवताओं को की तरह मैं नहीं, मतलब इंसान की तरह नहीं मरता हूं. ब्रह्मा जी का कहने के पीछे का मतलब क्या है? Come on. प्रभु जी मैं ट्राई कर सकता हूँ? मोक्ष में हाँ जी प्रभु जी, मे भी ऐसा हो सकता है कि इंसान मतलब बार बार जन्म मृत्यु होते रहते हैं उनका, और शायद देवताओं का ना हो ऐसा। एक ही बार होगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, देवताओं का भी तो पुनर्जन्म होता है दूसरे रूप. प्रभु जी ये आज की इंसानों के जैसे नहीं मरना क्या है? हाँ हाँ, प्रभु जी, इंसानों के जैसे नहीं मरना है कि जैसे अभी आपने बताया ये चार चीजें हैं, और भी चीजें हैं जिन चीजों को जान के भी हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं और करते करते गलतियां करते करते मर जाते हैं। नहीं, प्रभु जी, इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बर्थ एंड बर्थ ऑफ अ देवता और अ डेमिगॉड. बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अंतर समझ लेना. इस तरह से मनुष्य शरीर ही एक शरीर है जहां पे वो भगवान को प्राप्त कर सकते. आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसा, देवता तो भगवान को मिलने जाते हैं. बिल्कुल मिलने जाते हैं, जब कष्ट में कष्ट होता है तब भगवान को मिलने जाते हैं. पर कितने देवताओं ने भगवान को प्राप्त किया है? जब जब कोई असुर का आतंक आया है तब तब देवता भगवान के पास गए हैं. बट टेल मी हाउ मेनी टाइम्स देवताज हैव सेड नो, वी डोंट वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम असुरास, वी वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम दिस वेरी वर्ल्ड एंड वी वॉन्ट टू कम बैक टू यू, आपके पास वापस आना चाहते. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि देवता हमेशा, ऑलवेज देवताज वॉन्ट टू गो इन टू द हैंड्स ऑफ एंजॉयमेंट. सिर्फ भोगना चाहते हैं वो लोग. स्वर्ग का अप्सरा, स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग का वैभव भोगना चाहते. पर इंसान क्या भोग सकता है? इंसान क्या भोग सकता? हम तो यहाँ पे इतने नो कहते हैं कि देवता जब भी इंसान को देखते हैं ना तो हंसते हैं. जैसे कुत्ते के सामने हड्डी डालते कुत्ता कैसा नाचने लगता है, वैसा इंसान नाचता है. थोड़ा सा पनीर की सब्जी खा के या थोड़ा सा मोमोस या बर्गर खा के नाश्ता. वैसे हमारे यहाँ एक्चुअली वी आर ईटिंग टू सर्वाइव, बट नाउ सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज हैव मेड इट अ बिजनेस एंड दे आर मेकिंग यू नाइस पैलेटेबल डिशेस. अरे दैट्स नॉट द पर्पस.
मनुष्य का जीवन सबसे छोटा जीवन आयु है. द ह्यूमन लाइफ स्पैन इज द स्मॉलेस्ट एंड द देवतास इज गॉट लॉन्ग लाइफ स्पैन. व्हाट इज ब्रह्मा जी लाइफ स्पैन? 311 trillion 40 billion years. 311 trillion 40 billion years. दिस इज द लाइफ ऑफ ब्रह्मा. इतना लंबा आयु. इसके लिए हमारे यहाँ पे एक देव उठन एकादशी होती है और एक देव शयन एकादशी होती है. कितने लोगों को पता है इस चीज के ऊपर? देव शयन एकादशी होती है और देव उठन एकादशी. अभी आएगा देव शयन एकादशी. प्रभु जी, देव जो आपने सेकंड वाला बोला वो शायद दिवाली के 11 दिन बाद होती है। क्या देव उठन एकादशी? या सो व्हाट डज दिस मीन? ये देव शयन और देव उठन देवताओं के लिए. हमारा एक साल देवताओं के लिए एक दिन है, वन फुल डे. सो जैसे हम लोग रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं, वैसा देवता देव शयन एकादशी के दिन सोने को जाते हैं और देव उठन एकादशी के दिन जाग के अगला दिन उनका शुरू होता है. यानी कि हमारा एक साल पूरा होता है तो उनका एक दिन. सी द डिफरेंस? इसके लिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? आई एम फ्रॉम द लाइफ ऑफ द डेमी गॉड्स, देवताओं का योनि से हूं. इसके लिए हमारा योनि मनुष्य योनि जैसा नहीं है, मगर फिर भी इवन दो वी आर हैविंग अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, बताओ। वी डाई. दैट्स व्हाई लॉर्ड सेज इन द भगवत गीता, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तन तीनों अर्जुन माम उपेति तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते. और क्लियरली सेस ब्रह्मा से लेके छोटे से छोटे कीट, द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट और द स्मॉलेस्ट अमीबा, व्हाट एवर यू कॉल इट, एवरी वन हैज टू डाई. फ्रॉम ब्रह्मा टू द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ. सम योनिज में हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, सम योनिज में हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन. जैसे कुछ कीड़े होते हैं, जैसे आप बटरफ्लाई देख लो, सुबह इस बटरफ्लाई का जन्म सुबह होता है, शाम को खत्म हो जाता है, इट डाइस. बस कुछ कीड़े होते हैं जो नो वायरस, 3 दिन का 4 दिन का वायरस आता है, 5 दिन का वायरस आता है और खत्म हो जाता है. व्हाट डज दिस मीन? द वायरस इज अ लिविंग थिंग, इट कम्स बट इट्स लाइफ स्पैन इज ओनली फॉर 4 or 5 days. So please understand there are so many insects. You can Google it. वो एक हफ्ते में पैदा होके बड़ा होके बच्चे पैदा शादी करके बच्चे पैदा करके और उनके बच्चों को भी बड़ा करके बूढ़े होके मर जाते विन 1 week. So that is why we are enchanted by देवतास. देवा लोग इतने लंबे रहते हैं, इतने लंबे समय तक रहते हैं. हमारा एक साल उनका एक दिन. तो हमारा अगर 100 साल हुआ तो उनका कितना हुआ? बॉगलिंग, नथिंग टू बॉगल. एंड में उनको भी मरना प्रभु है. यस हिमांशु, वांटेड टू स्पीक समथिंग. इन द एंड एवरीवन हैज टू डाई, हूएवर टेक्स बर्थ हैज टू डाई. बट यही अंतर है कि मनुष्य का योनि छोटा जरूर है, आयुष मनुष्य की लाइफ स्पैन जो है, द ह्यूमन लाइफ स्पैन मे बी स्मॉल बट इट इज मोस्ट पावरफुल. इन शास्त्र देयर इज एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेयर ह्यूमंस बाय डूइंग डिवोशन इन अ ह्यूमन बॉडी हैव गॉन बैक टू गॉड हेड, दे गॉट लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. बट टेल मी हाउ मेनी देवतास हैव अचीव गॉड, दो दे आर एबल टू सी, दे कैन विजिट गॉड, गॉड इज एक्सेसिबल टू. वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम दे ऑल रश टू गॉड. सभी देवता कहाँ जाते हैं? पहले शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी को साथ में लेके, क्योंकि शिवजी कौन है? देवों में देव, महादेव. और फिर महादेव के पास से वहां सीधा जाते हैं भगवान के पास. एंड आफ्टर गोइंग टू गॉड व्हाट हैपेंस?
टेल्स हिम डोंट वरी आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं वो राक्षस को मार दूंगा, बस खुश हो जाते। कितने लोग बोलते हैं नहीं भगवान आप हमको हमारे आपको आप हमें ले लो आपके पास आपके दुनिया में, कीप अस विथ यू। हाउ मेनी पीपल टेल दैट? हार्डली एनीबडी टेल्स, एवरीवन इज हैप्पी, दीज देवताज आर हैप्पी एंजॉइंग द मटेरियल वर्ल्ड। दैट इज व्हाई ब्रह्मा जी मेक्स दिस वेरी वेरी स्पेशल स्टेटमेंट, दो दैट वेरी नाइस स्टेटमेंट, रीड दैट फर्स्ट। There is a lot of understanding. I belong to the celestial world of demigods who do not die like human beings. Therefore, you will be subjected to death. आपकी आयु भले ही बड़ी हो सकती है मगर मृत्यु होगी, या दूसरे शब्दों में आप मुझसे डोंट आस्क फॉर इटर्नल लाइफ। आपको अगर अमर बनना है तो मुझसे मत पूछना। इसके लिए आज तक कोई देवता या कोई असुर देवता से अमर होने का वरदान नहीं मांगे। बाय द वे यहाँ पे कितने लोग हैं जो अमर बनना चाहते हैं? कोई नहीं। दैट्स वेरी बैड। अमर बनना इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। सुजाता माता जी आप नहीं बनना चाहेंगे अमर? प्रभु जी अमर बनने का तो कुछ है नहीं ना इसमें, जैसे वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की आप जब हम नहीं इसके लिए आप अमर है मायूस तो हैं। अरे ब्रह्मा जी ने बोल दिया हिरण्यकश्यप को कि भाई आप यू कांट बिकम अमर, तो हाँ हमारा तो चांस ही नहीं है। जब हिरण्यकश्यप का चांस नहीं लगा तो मेरा चांस कहाँ से लगेगा, है ना? पर ओके, वेरी ऐसे गुड, जन्म वेरी मृत्यु के नाइस, वेरी चक्कर से गुड, वेरी के गुड। बट लिए जा सकते हैं कि भगवान की भक्ति हमको करनी मरना ही पड़ेगा चाहिए। ना, इस धरती पे जो भी जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस हिमांशु, व्हाट डू यू थिंक, अमर बनना है आपको? नहीं, प्लान्स टू बिकम अमर? आई गॉट फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला, मंत्र है मेरे पास, बनना है ओम आपको साहब, अमर बनना? स्पीकिंग पूजा माता जी क्लास, तो एक बार बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला था कि लाइक जो एक स्वर्ग है उससे ऊपर है मुक्ति, तो इफ दैट इज अ थिंग सिमिलर टू अमर होना, सो वो हो प्लीज जाएगा। रिपीट लिटिल लाउडर। प्रभु जी, जैसे मैं एक बार पूजा माता जी की क्लास ले रहा था, तो उन्होंने बोला ओके था कि हाँ एक होता है कि स्वर्ग में जाना, एक उससे भी ऊपर होता है कि स्वर्ग में जाना और वापस इंसान के जीव में वापस आना, मगर एक उससे भी ऊपर होता है कि मुक्ति पा जाना। भगवान हाँ, तो शायद वही स्वर्ग, वही शायद वही अमर अमर होना होना। है, वही अमर होना है। अरे सबसे बड़ा चीज, प्लीज ऑल ऑफ यू ऑल अंडरस्टैंड, हम ऑलरेडी अमर हैं। अगर हम अपने आप को एक शरीर मानते हैं तो फिर हम अमर नहीं है। अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो हम अमर हैं। ए सोल नेवर डाइज। नहीं, आज तक कभी आत्मा मर सकता है? हम लोग क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी हो गए, मतलब आत्मा चली गई शरीर मर गया। भगवत गीता में क्या कहते हैं, एनम चिंतन्ति शस्त्राणि न नम दति भाव का न चक्लेव दंती आपो न शोषति मारुतः न जायते मिरियते व कदाचन अयम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यति हन्यमाने शरीरे। क्या कह रहे हैं आप, श्लोक ये बार बार बोलते हैं ना, अजो नित्य, अजो मतलब अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराणो, सबसे पुराण है यह आत्मा। एंटिक अगर कोई चीज, अगर ना कोई लोगों को बहुत शौक होता है एंटिक चीज जमा करने की, पैसा काफी लाखों रुपया देके एंटिक चीज खरीद के लाते हैं। ये महाराजा के काल की है, ये महाभारत के काल की है, हाँ ये मुगल के काल की है, करके लेके आते हैं। अरे ये सब पुराना नहीं, सबसे पुराना तो आप और मैं हैं। हम लोग ही सबसे पुराना है। क्यों? हम एज अ सोल वी आर द
ओल्डेस्ट एंड दैट इज वी आर अनबॉर्न अजो नित्य, नित्य मतलब ऑलवेज शाश्वत, इसमें कोई दो राय नहीं, शाश्वत अजो नित्य शाश्वत हो। यम पुराणों, सबसे पुराना है ये, सबसे एंटीक चीज ये आत्मा है। फर्क क्या है, जब मर जाता है नया शरीर लेता है, नया शरीर कितने का रहते ना, एक दिन का बच्चा हो गया। अरे प्रभु जी बच्चा तो छोटा है, अरे बच्चा तो छोटा है मगर अंदर का आत्मा तो पुराना है, वो तो नया नहीं है। वही बच्चा जब बड़ा होगा, वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, अरे शरीर मरा, वो आत्मा वापस जन्म लेने वाली है। तो यू डोंट हैव टू टेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू बिकम इमोर्टल, वी आर ऑलरेडी इमोर्टल, वी एज सोल्स आर इमोर्टल, दिस बॉडी इज मॉर्टल। इज दिस पॉइंट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी पीपल मेक दिस ब्लंडर। अरे प्रभु जी हम भी अमर हो जाते, एवरी वन वॉन्ट्स टू फ्रीज, यू नो अच्छे वक्त पे फ्रीज होना चाहते हैं कि बस इसी ऐसे रहे, सब कुछ बड़े बढ़िया चलता रहे, मतलब बुढ़ापा ना आए। कहां से, एवरी मिनट वी आर डाइंग, दिस बॉडी इज डाइंग एवरी मिनट। हाउ मेनी पीपल अग्री विद दिस? ये शरीर एक एक मिनट मर रहा है। आज हम लोग क्लास शुरू करके कितना, आधा घंटा हुआ, आधा घंटे में, आधे घंटे मर गए सब लोग, सब लोग मर गए, मैं भी मर गया आधा घंटा। व्हाई? द लाइफ स्पैन इज फिक्स्ड, लेट्स टेक, दिस इज बर्थ एंड दिस इज डेथ एंड दिस इज द स्लाइड इन विच यू आर गोइंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80, दैट्स इट। एवरी डे वी आर मूविंग, इंचिंग टूवर्ड्स डेथ, मृत्यु के करीब जा रहे हैं हम। मृत्यु किसका? शरीर, आत्मा का नहीं। और ये हिरण्यकश्यपु गधा इतना बड़ा प्रवचन दिया, अरे मरने से क्या, तो मरने से थोड़ी डरना चाहिए, ये वो सब जीवन में अप्लाई नहीं कर पाया, ये खुद नहीं समझ पाया कि मैं अमर हूं। एज अ सोल आई एम अमर, मगर उसने, उसका मन में क्या था कि मैं अगर अमर बन गया, अमर मतलब मैं मरूंगा नहीं, इफ आई विल नॉट डाई देन आई कैन टेक रिवेंज ऑफ माई अच्छा ब्रदर। इफ आई डू नॉट डाई, इफ आई एम सब्जेक्टेड टू डेथ, आई कैन नॉट टेक रिवेंज। ही न्यू वेरी वेल समबडी विल किल हिम, देवताज ऑल्सो कैन किल हिम, सो ही वॉज हैविंग दैट, एंड दैट इज द रीजन वाई हिरण्यकश्यपु वॉज आस्किंग, वॉज प्लानिंग टू आस्क फॉर इमोर्टैलिटी, बट ब्रह्मा जी बिफोर ही कुड ओपन हिज माउथ, ब्रह्मा जी सेड सॉरी माई डियर, आई माई सेल्फ आई एम गोइंग टू डाई, और जो मरने वाला व्यक्ति है, मैं खुद मरने वाला हूं, हाउ कैन आई गिव यू इमोर्टैलिटी? तो कितने लोग यहाँ भगवान के धाम जाना चाहते, मोक्ष पाना चाहते, कोई है यहाँ पे? सब यहाँ गढ़ के रहना चाहते। ओके, टू थ्री फोर पीपल हैव रेज देयर हैंड्स ऑन द वीडियो, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं। तो इफ यू ऑल आर प्लानिंग टू गो बैक टू गॉड हेड, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू? डू डिवोशंस, अग्रीड, भक्ति करना है और बैक टू गॉडहेड जा सकते, मगर भक्ति करने के लिए पहले भगवान को ऊपर समर्पित होना। और यहाँ पे हिरण्यकश्यपु का क्या प्लान था? भगवान से हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान से वर नहीं लूंगा, मैं देवताओं से वर लूंगा। लोग अक्सर मेरे पास आते हैं, कहते हैं प्रभु जी मैं तो देवी का बड़ा उपासक हूँ, मैं फलाना फलाना गणेश जी का उपासक हूँ। अच्छी बात है, देवताओं का सम्मान करो, करना चाहिए, मगर जो खुद एक दिन मरने वाला है, गणेश जी भी मरने वाले, इंद्र भी मरने वाला है, अग्नि देवता भी मरने वाले, जितने देवी देवता हैं सब मरने वाले, और जो खुद मरने वाला है वो आपको कैसे अमर बना सकता है?
कि आपको कैसे भगवत धाम पे लेके जा सकते हैं। इट्स लाइक सपोज इस कमरे में, एक कमरे में हम लोग 5-6 10 हम लोग 5-6 जन बैठे हुए हैं कमरे में, और हमारा हाथ बंधा हुआ है, हथकड़ी से बंधा हुआ है। लेट्स इमेजिन अवर हैंड्स आर हैंड वी आर हैंड कफ्ड एंड वी वॉन्ट टू बी रिलीज। हाउ कैन वी बी रिलीज? हु विल रिलीज दिस? वन हु इज नॉट हैविंग हैंड कफ ओनली कैन रिलीज, अदरवाइज रेस्ट ऑफ अस आर ऑल हैंड कफ, सो हाउ कैन वी रिलीज? सो इट इज ओनली गॉड हु कैन रिलीज अस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इवन फॉर इमोर्टैलिटी वन शुड नॉट प्रे टू देवतास और डेमीगॉड्स। देवताज एंड डेमीगॉड्स शुड बी केप्ट हैप्पी, दे शुड बी सर्व वेरी नाइसली, रिसाइट हनुमान चालीसा वेरी नाइसली, रिसाइट हनुमान चालीसा रामचंद्र जी विल बी हैप्पी, इफ यू सर्व आचार्यस गॉड विल बी हैप्पी, सर्व सीनियर वैष्णवस गॉड विल बी हैप्पी, डू योर सर्विस टू ऑल देवी देवताज नो प्रॉब्लम, इनफैक्ट यू शुड डू, बट द फोकस हैज टू बी ऑन God. Only God is our focus. So, जब हिरण्यकश्यप को पता चल गया कि भाई ब्रह्मा जी इज वेरी क्लियर, भाई तुझे मैं अमरत्व नहीं दे सकता हूं, आई कांट मेक यू इमोर्टल, देन ही थॉट वॉट विल आई डू, वॉट विल आई आस्क? So, you know, this is how demons are. They think they are smarter than God. There are many people in this world also who think, "Arey, Bhagwan ko kya hai? Bhagwan ko to aise pakad sakte." That's why he made two slokas. He recited, he said two slokas, or rather demanded certain conditions from Brahma ji, taki wo amar rahe. And what were the two conditions? Two slokas in which he asked. नांतर बहिर दिवानक्तम असम्यात च च आयुध्यः न भूमो न अंबरे मृत्युर न नरेर न मृगेर अपि। इसमें हिरण्यकशिपु क्या मांगता है ब्रह्मा जी से? इसे न अंतर बहिर दिवा नक्तम, ना घर के अंदर न घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, बिकॉज आवर डेथ कैन टेक प्लेस ओनली इन साइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस। जनरली यही होता है, घर के अंदर मरता है व्यक्ति या घर के बाहर। डे और नाइट, दिवा और नक्तम, डे और नाइट। अन्यस्माद अपि च आयुधः, एनी वन फ्रॉम बियॉन्ड लॉर्ड, एनी वन बियॉन्ड लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा के अतिरिक्त, ब्रह्मा के ऊपर जो कोई भी नहीं है, मतलब ही इज थिंकिंग ब्रह्मा इज द सुप्रीम, ब्रह्मा से लेके उसके ऊपर जो भी नहीं है, उसके नीचे जो भी है, उनसे मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। चापि आयुध, आयुध मतलब कोई भी भौतिक वेपन, शस्त्र से मेरा मौत नहीं होना चाहिए। ना भूमो ना अंबरे, ना धरती में ना आकाश में, मृत्युर ना नरेर ना मृगेर, ना किसी इंसान से ना किसी जानवर से। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे इन विच हिरण्यकशिपु हैज सॉरी हिरण्यकशिपु हैज आस्क्ड फॉर द फर्स्ट वर। क्या वर मांगा है? ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना किसी अस्त्र या किसी शस्त्र से मरो, ना किसी इंसान से मरो, ना किसी जानवर से मरो। माय गॉड, इट इज लाइक एक ही वर मांगा है उसने, ही इज आस्किंग फॉर ओनली वन बेनेडिक्शन, बट ही इज आस्किंग इन अ वेरी क्रूकेड मैन। ही इज इनडायरेक्टली आस्किंग फॉर इमोर्टैलिटी, but people generally become smart with God. No,
ना मेनी पीपल यू नो दे एक्ट स्मार्ट विद गॉड, बट आचार्य से नेवर ट्राई टू बी स्मार्ट विद गॉड. व्हाई? भगवान का एक नाम क्या है? त्रिभंगी. मीन्स लॉर्ड इज बेंट इन थ्री प्लेसेस. त्रिभंगी कहते हैं ना भगवान को, त्रिभंगी कहते हैं ना. क्यों कहते हैं? ही लॉर्ड इज बेंट एट थ्री प्लेसेस. वेन एवर इज होल्डिंग द वंशी यू सी लॉर्ड इज बेंटिंग बेंट इन थ्री प्लेसेस. तो आचार्यगण कहते हैं इफ यू आर टेढ़ा ही इज थ्री टाइम्स टेढ़ा. अगर आप सीधे हो भगवान से तो लॉर्ड इज थ्री टाइम्स मोर सीधा, बट इफ यू आर स्मार्ट ही इज थ्री टाइम्स मोर स्मार्टर देन यू. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड. वन शुड नॉट एक्ट स्मार्ट. हिरण्यकश्यपु थॉट आई एम वेरी स्मार्ट. ब्रह्मा जी गधे हैं, बेवकूफ हैं, उनको मैं जो भी बोलूंगा देना ही पड़ेगा, इतना घनघोर तपस्या किया मैंने. बट वॉट इज द यूज ऑफ द तपस्या? Has he used it for the benefit of his soul? Or has he used it for changing his bad habits? No. He is asking for a long life or an immortality, in other words, so that he can use it to trouble others. Then in the next verse, he puts another set of conditions. He says, grant me that I may not meet death from any entity, living or non-living. Very, very important. Please understand. Vyasubhir va avyasubhir va. What does this mean? Jivan, jivit, ya, dead. Alive or dead. Please understand all this. Because when we will be going to the end of this katha, that is, the entire Leela, when we will be ending, that time these things you will be able to understand more better. Sura Asur Manograir. What he is saying is, no Sur or no Asur should kill me. That means, mujhe koi Sur bhi nahi marna chahiye, koi Asur bhi nahi marna chahiye. No demigod or no demon should kill me. Not even any snakes, great snakes. Since no one can kill you in battlefield, no one can kill me in battlefield, I should have no competitors. Bolo. Ye aisa koi one-sided war ho sakta hai? Boon. I will have no competitors. It will be only me and only me. Then, furthermore, I will be the sole lordship over the entire world, all the living beings. Furthermore, all the mystic powers attained by long austerities and practice of yoga, for these cannot be lost at any times, they should be granted to me. That means what? He not only wanted to become immortal, he also wanted to become the God. He wanted to become God. God hi hai na? Jisko par, there is no one above God. And he wanted to come to that post. And he thought, by asking this boon, I'll be the super boss or the most strongest person or the most powerful person in the world. Brahmaji also said, Tatha Sulele, be happy. Brahmaji is always giving boons like that. Shivji gives boons. Only Vishnu makes the things correct. So Brahmaji granted them, and though they were rarely to be achieved, Hiranyakashipu continued to remember the death of his brother and therefore became envious of Lord Vishnu. Hiranyakashipu became the conqueror of the entire world and conquered all the parts of the three worlds, conquering the abode of all, and he seized their power and He possessed all influence, opulence, began residing in heaven, and there he was enjoying in the Nandanandana gardens, which is enjoyed by the devatas. And usne pure duniya ko itna bhayabhit kar diya tha. In fear of Hiranyakashipu, the planet delivered food grains without being plowed, and the cows giving abundant milk. What do we understand?
ही वॉज सो पावरफुल दैट जस्ट बाई हिज फियर, उसके डर मात्र से धरती माँ अन्न दे रही थी, बिना उसको सींचे, विदाउट प्लाउइंग यू आर गेटिंग फूड ग्रेन्स, एंड काउस वर गिविंग मिल्क विदाउट बीइंग मिल्क्ड आल्सो, दे वर गिविंग मिल्क। जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल, हाउ स्ट्रॉन्ग ही हैड बिकम, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस जनरली, पीपल दे बिकम स्ट्रॉन्ग ना, तो बोलते ना ताकत दिमाग में घुस जाता है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड विद, सारे देवता उसकी मुट्ठी में, मनुष्य तो थे ही थे, सारे तीनों लोक उसकी मुट्ठी में, स्वर्ग में बैठा हुआ है, बट स्टिल देयर वॉज वन थिंग, इन स्पाइट ऑफ अचीविंग द पावर टू कंट्रोल इन ऑल डायरेक्शंस एंड इन स्पाइट ऑफ एंजॉइंग ऑल टाइप्स ऑफ डियर सेंस ग्रेटिफिकेशंस एज मच एज पॉसिबल, हिरण्यकशिपु वॉज डिससैटिस्फाइड बिकॉज इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग हिज सेंसेस रिमेन द स्लेव ऑफ हिज। वॉट डज दिस मीन टू अस? हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, नेम इट, ही हैड एवरीथिंग व्हिच इज व्हिच वाज अवेलेबल इन द थ्री वर्ल्ड्स, नॉट इन वन वर्ल्ड। हेवन का सारा सुख उसके पास, स्वर्ग के देवताओं का नंदन नंदन गार्डन्स में ही वॉज प्लेइंग एंजॉइंग इन दैट गार्डन्स, नो फीमेल और नो फूड, नो थिंग दैट ही कुड नॉट एंजॉय, बट स्टिल ही वॉज सैड बिकॉज एंजॉइंग द सेंसेस इज नॉट हैप्पीनेस। वी ऑल आर इन अ सर्च ऑफ हैप्पीनेस, वी थिंक आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट एन आईफोन, आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट गेट अ नाइस फूड, आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट अ नाइस ड्रेस, अ नाइस कार। नो, थिंग्स डू नॉट गिव हैप्पीनेस, चीजें तुमको खुशी नहीं दे सकती। दिस इज अ रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव गॉट, इफ आई पोजेस मोर थिंग्स आई विल बी हैप्पी। ही हैड एवरीथिंग बट स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। फाइन, वेरी वेरी ऑब्वियस, सेंसेस कैन बी प्लीज विद सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रियां जो है इंद्रिय वस्तु से तुष्ट हो सकती, खुश हो सकती, मगर लेट से हिमांशु लाइक स्वीट्स, यस प्रभु जी, आई डू विच इज योर फेवरेट स्वीट? प्रभु जी, डिपेंड्स, फिर भी आई ईट एवरीथिंग प्रभु जी, आज यू लाइक एवरीथिंग, एनीथिंग, एनी स्वीट अंडर द वर्ल्ड यू इज लवेबल टू यू। ओके, लेट्स यस से आई गिव प्रभु यू नाइस गुलाब जामुन, यू लव इट, लव टू ईट गुलाब जामुन? ओके, जी, यस प्रभु जी, हाउ मेनी? 2, 3, 4? टू प्रभु जी, प्रभु हाँ, जी टू, टू यस टू प्रभु इज जी, टू स्मॉल, एटलीस्ट यू शुड ईट 4, चार खा प्रभु जी लोगे? आई कैन ईट, आई कैन ईट फोर? फोर, बट देयर अच्छा नहीं, चलो चलो, विल आप बी, चार पांच खा लोगे ना कम से कम, बहुत भूख लगी हो और यस बहुत बढ़िया बना हो तो खा खा लूंगा प्रभु जी, मगर लोगे ना, और मैं खाऊंगा अगर नहीं आपको 10-15 खिला दूं तो 10-15 गुलाब जामुन ओनली, विल यू आई बी कैन एबल नॉट टू ईट एंजॉय प्रभु इट? जी, नो प्रभु जी, वो यूटिलिटी कम हो जाएगी, डिमिशिंग लॉ, मार्जिनल डिमिशिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी, राइट? यस सो प्रभु व्हाट डज दिस मीन? इट इज नॉट डिमिनिशिंग सेंसेस, और द सेम सेंस ऑब्जेक्ट आफ्टर अ टाइम बिकम्स डिसप्लेजर। व्हाट गिव्स यू प्लेजर इन द स्टार्टिंग स्टार्ट्स गिविंग यू डिसप्लेजर आफ्टर सम टाइम फॉर द सेम थिंग। देन यू से प्रभु जी नो नो डोंट गिव मी गुलाब जामुन, दिस टाइम यू गिव मी यू नो रसमलाई, देन आई गिव यू रसमलाई 25 पीसेस, यू से नो 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 प्रभु जी नो नो, यू गिव मी समथिंग डिफरेंट, गिव मी बादशाह।
गिमी लड्डू, गिमी पेड़ा, वी वांट, दैट्स व्हाई वी चेंज, है ना, व्हाई वी हैव गॉट सो मेनी आइटम्स इन द होटल मेन्यू लिस्ट. वन फूड इज इनफ. नो नो, लास्ट टाइम आई एट पाव भाजी, दिस टाइम आई विल ईट समथिंग एल्स. लास्ट टाइम मैंने पाव भाजी खाया था, मैं आज मैं चाइनीज खाऊंगा, आज मैंने चाइनीज खाया तो कुछ कल नेक्स्ट टाइम कुछ और खाऊंगा. तो इंद्रियां जो है ना, उनको आप थोड़े देर के लिए खुश जरूर कर सकते. इट इज अ वेरी वेरी टेम्पररी फेस, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग. बट इफ द सेंसेस आर हैप्पी, इट डज नॉट मीन यू आर हैप्पी. आई विल गिव यू वन सिंपल क्लासिक एग्जाम्पल. इज देयर एनीवन गोइंग टू कॉलेज इन दिस ग्रुप? कोई कॉलेज जा रहा है? ओके माता जी, व्हाट्स योर नेम? अस्मि, अस्मि, राइट? आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन. सपोज यू आर सिटिंग इन द कैंटीन, कॉलेज कैंटीन, एंड यू हैव, व्हाट इज योर फेवरेट फूड इन द कैंटीन? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? समोसा? नाइस क्रिस्पी समोसा. यू लाइक समोसास? सो यार, देयर इज अ नाइस क्रिस्पी समोसा, ए कप ऑफ, ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, मे बी पेप्सी और कोक, एंड नाइस फ्रेंड सिटिंग अराउंड यू, एंड यू आर एंजॉयिंग द समोसा. वुड यू नॉट एंजॉय द समोसा? फ्रेंड्स आर ऑल सिटिंग अराउंड, बट अ नाइस कोल्ड ड्रिंक बॉटल, एंड यू आर ऑल्सो हैविंग इट, एंड यू ऑल आर ईटिंग दैट समोसा विद नाइस चटनी एंड ऑल दैट. एंड सडनली वन फ्रेंड कम्स रनिंग टू कैंटीन एंड ही सेज, अरे यार तुम तो खा रहे हो, एंजॉय करो एंजॉय करो, आज रिजल्ट लगने वाला है, एग्जाम के रिजल्ट लगने वाला. इट इज द सेम कैंटीन, इट इज द सेम क्रिस्पी समोसा इन योर हैंड, सेम कोल्ड ड्रिंक विच इज देयर इन द टेबल, द सेम फ्रेंड्स, नथिंग हैज चेंज्ड, एब्सोल्युटली नथिंग हैज चेंज्ड, बट कैन यू एंजॉय द समोसा नाउ? Why? What has changed? हम ये सोच रहे कि खा रहे थे कि वाह मजा आ रहा है, बट सडनली सिचुएशन हैज चेंज्ड, रिजल्ट आने हैं तो हमको हमारा कर्म याद आते हैं. अरे हमने क्या कर्म किया, एग्जाम में क्या लिखा था, क्या छोड़ा, क्या लिखा, तभी बड़े स्पिरिचुअल बन जाते. हिरण्यकशिपु की तरह हम भी स्पिरिचुअल बनते हैं अक्सर. एंड व्हाट वी से, वो आंसर ठीक से लिखा कि नहीं, तब सब पूरे कर्म का पूरा ब्यौरा आ जाता. डोंट वरी, एट द टाइम ऑफ डेथ द सेम थिंग हैपेंस. जब यमराज आएंगे ना, पूरा याद आएगा, हाँ ये हमने ये पाप किए थे, ये कर्म किए थे, ये बुरे की चीज किए थे, सब याद आएगा. एंड द सेम थिंग हैपेंस व्हेन दैट फ्रेंड कम्स एंड टेल्स, भैया रिजल्ट लग चुका है नोटिस बोर्ड में, कई लोग फेल हो गए, जाके देखो तुम्हारा नाम है कि नहीं. समोसा वही है, कोल्ड ड्रिंक वही है, बट आप उसमें स्वाद. सो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन सेंस ग्रेटिफिकेशन. समोसा का टेस्ट जो है ना जीभ का 4 इंच पे, नॉट इवन 4, 3 इंचेस ऑफ द टंग, द टिप ऑफ द टंग इज द टेस्ट. इफ आई टेक द समोसा एंड आई रब इट इन माई हैंड, विल आई गेट द टेस्ट ऑफ समोसा? Then what does it mean? Sense gratification can only give you limited pleasure, and that is through the senses. But if you want to be happy, happiness is different to sense pleasure. We generally have this big misconception, thinking that if I have lot of nice food stuff, I will be happy. I'll go to a nice restaurant in a nice coffee shop and I eat lots of food and various pastries, this and that, I'll be happy. No, you can't. Only is what is happy is your senses. If I see light, a lot of movies, nice pictures, I'll be happy. No, it's only your eye which is happy. You cannot be happy. You cannot be happy. Because happiness is staying inside you. As an example, I gave you in the college canteen, same
थिंग इज द हैप्पीनेस लाइज इनसाइड यू एंड व्हेन डस दैट हैप्पीनेस एक्चुअली कम आउट एक्चुअल हैप्पीनेस विल कम आउट ओनली व्हेन द सोल इज हैप्पी By keeping the body happy, one cannot get happiness. इसके लिए कहावत है ना, एसी के बिस्तर में, एसी के कमरे में, अच्छे बढ़िया बिस्तर में सोते वक्त भी नींद नहीं आती. Why? Why you yourself, if you're sleeping in the bed, in a nice AC, nice bed and a nice AC room and all that, and next day morning is your exam result. Will you get it? Nice peaceful sleep. Every 2 hours, अरे रात को कितना बजे? 1 बजे, 2 बजे, अरे 5, 7 बजे पे result है या online result है? Whatever it is, I'm not going to the specifics of it. What I'm trying to say is, in fact, tension तो 1 हफ्ते पहले चालू हो जाएगा. 1 हफ्ते में result है, 5 दिन में result है, 3 दिन में result है, 2 दिन में result है, 1 दिन में है. It's like a countdown. क्यों? Happiness is not in your senses. Happiness lies inside you. And if you want to get that happiness, what mistake Hiranyakashipu did, you all should not do. Hiranyakashipu ne jo galti ki, aap logon ko nahi karna. What mistake did Hiranyakashipu do? Very simple mistake. He was only trying to feed his senses. Terrify people with his power. उसके ताकत से लोगों को डराता था, तभी तो धरती अपने आप अनाज देती थी, गाय अपने आप दूध देते थे. But he was unhappy because he had things of sense gratification, but he didn't have God in his life. One who has God in his life, जिसके जीवन में भगवान रहते हैं ना, वो सुखी रहते. जिसके जीवन में भगवान नहीं होता है, बाकी सारी इंद्रिय तृप्ति की चीजें हो. एंड अ क्लासिक एग्जाम्पल वॉज माइकल जैक्सन. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो अबाउट माइकल जैक्सन? रियल लाइफ एवरीवन नोज ही वाज अ बिग पॉप सिंगर एंड वेरी नाइस सिंगर, बट यू नो हिज रियल लाइफ हाउ ट्रैजिक इट वॉज. He had 40 donors, organ donors, 24 hours in his house. He had set up a full hospital. He had so much of money that he could afford to keep so many people. Each one, there were people to even donate their heart. But he died at the age of not even 50. Before 50, he died. He could not live up to 60, 70 years old. Why? Because he was only living for the body. He never lived for the soul. One who lives for the soul is really. जो आत्मा के लिए जीता है, आत्मा की तुष्टि के लिए जीता है, वो सुखी है. और वो व्यक्ति वही हो सकता है जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता. One who tries to achieve God will have satisfaction and will have peace. इसके लिए कैसे भी कितने आप जितने भी लोग हैं, सब लोग ने एक चीज को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा. कितना भी मन में अशांति हो, थोड़ी देर के लिए सही, जब आप मंदिर जाते हो, थोड़ा शांति का एहसास होता. व्हाई? दैट्स इट, दैट्स गॉड. Somebody has raised his hand. Want to say something? Okay, so unless and until one doesn't have God, so Hiranyakashipu ruling the three worlds, tino loko pe raj kar raha tha, sari srishti ke sare sari cheeze yahan tak ki devta bhi uske charno pe gire pade hue the. In spite of all that, he was unhappy because he did not have God. So with this, I would like to close today's class. We will continue next week. Anybody has got any doubts, questions, can